हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है। और देखिए, आज का सेशन है हरियाणा पुलिस के लिए हमारा कंप्यूटर का। ओके, ये है इसका पार्ट एट। इससे पहले 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे, नए विजिटर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस पार्ट को जरूर जाके देख लेना, ठीक है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए, किसी भी नई गवर्नमेंट से जुड़ी अपडेट के बारे में जानने के लिए sarkarking.com पर विजिट कर सकते हैं। और ये इनका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप सभी जानकारी अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकते हैं। लिंक सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो देखिए, पहले आप इन क्वेश्चंस के खुद से जवाब देने की कोशिश करना, बाद में मेरे आंसर से आंसर्स मैच कर सकते हैं। तो देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे डैश कहते हैं। ऑप्शंस आपके सामने चारों स्क्रीन पर गिवन है, ओके। और उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग को हम बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है, ओके। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, इंटरनेट ही तो कनेक्टिविटी का उदाहरण होता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, सब्जेक्ट, ठीक है। जो हम सब्जेक्ट लिखेंगे उसी से पता लग जाता है कि आपका जो ईमेल है वो किस विषय पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं कि हमारा ईमेल इस विषय पे है, फिर जो है ईमेल की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि हमने ये हमको जो है रिक्वायरमेंट है। तो सब्जेक्ट से हमको पता लग जाता है कि ईमेल किसके बारे में होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डैश ऐसे डिवाइस हैं जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मॉडेम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है। तो ये भी सिंपल है, इंटरनेट ऐसा नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन बी सिक्स का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। तो अनसॉलिसिटेड ईमेल को हम क्या बोलते हैं, आपने सबने स्पैम वर्ड सुना होगा कि आप स्पैमिंग कर रहे हैं या फिर आप गलत ईमेल भेज रहे हैं या फिर ईमेल का मिसयूज कर रहे हैं। इस टाइप के जो ईमेल होते हैं उनको अनसॉलिसिटेड ईमेल या फिर स्पैम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का प्रयोग करते समय वेब पेज का कोड लिखा जाता है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए हम वेब पेज के कोड को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या नहीं, एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा। तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश। फ्लैश ए हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दसवां, ए पॉइंट, एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तथा इसका आकार हाथ जैसा होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, हाइपरलिंक, ठीक है। एक पॉइंटर जो है इसको हाइपरलिंक पर पोजीशन करते हैं, उसी का आकार जो है वो हाथ जैसा होता है। ग्यारहवां क्वेश्चन है, आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते, आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन सारे स्क्रीन पर गिवन है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बारहवें का, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है। तो सबसे पहले किसने अपनी इंटरनेट वेबसाइट बनाई थी, बीजेपी ने बनाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। तेरहवां क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टली उपलब्ध कराई थी। तो यह क्वेश्चन ही बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन सबको पता होगा, ठीक है। तो किसने करवाई थी, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम ने सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HTML का पूरा नाम क्या है। ये सबको पता होगा, HTML का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए, इंटरनेट किसके द्वारा चलाता है, सर्वर के द्वारा। यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन जो है बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, नन ऑफ दिस जो है हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, डैश वह डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए, गेटवे ऐसा डिवाइस है जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है हमारा, डैश HTTP का उपयोग करते हैं।
तो राइट आंसर क्या होगा, हमने पढ़ा है वेब पेज हम खोलते हैं तो वहाँ पर HTTP लिख के फिर हमारा जो है एड्रेस लिखा होता है वेबसाइट का एड्रेस, तो वेब पेज में जो है हम HTTP का उपयोग करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता है, www.protocol का उपयोग करता है, ठीक है 18वां। और अभी भी हमने बात करी थी HTTP की, तो यही इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका उपयोग करता है। और www की खोज किसने की थी, टिम बर्न्स ली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेबसाइट समूह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेबसाइटों का समूह है, आपको ये बताना है। और देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वेब पेजेस या फिर HTML डॉक्यूमेंट जो है वो वेबसाइट का समूह होता है। लॉक कुंजी वेबसाइट का समूह नहीं है, ग्राफिक फाइल जो भी वेबसाइट का समूह नहीं है, ठीक है। वेब पेजेस और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इनका जो डॉक्यूमेंट है ये वेबसाइटों का समूह होता है। नेक्स्ट है हमारा, स्पैम निम्नलिखित में से किसको बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, स्पैम किसको बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अनसॉलिसिटेड ईमेल को हम स्पैम बोलते हैं, ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस बार उल्टा पूछ लिया, पहले हमको ऐसे पूछा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन भी किसी का गलत नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी होम पेज हम उसको बोलते हैं, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और मैं इसके ऑप्शन नहीं बोलूंगा, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा क्योंकि ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर गिवन है। और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है, ठीक है। अगर कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा है तो वो अन्य किसी इंटरनेट कंप्यूटर से भी जुड़ सकता है, ये कथन बिल्कुल ही सत्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23-, नेटवर्कों पर दस्तावेज की अदल बदली के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए फ्लॉपी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, फ्लॉपी जो है वो नेटवर्कों के दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में कौन मदद करता है, ब्राउजर मदद करते हैं, जैसे ब्राउजर हो गया कंप्यूटर में खुलते हैं, क्रोम खुलता है, फायरफॉक्स खुलता है, मोज़िला फायरफॉक्स, तो ये ब्राउज़र है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं, जिसमें हम इंटरनेट की सभी गतिविधियों को जोड़ सकते हैं। और देखिए एक और ज़रूरी अपडेट, ये मेरा नया फेसबुक पेज है, ये मैंने फेसबुक पेज बनाया है, इस पर अभी तक कोई भी फॉलोवर्स नहीं है, आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं, शुभम श्रीवास्तव 0 लिख के आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर अगर फॉलोवर ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर भी क्विज वगैरह स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जॉब फाइंडर स्पेस शुभम लिखकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक सभी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORG का संबंध किस क्षेत्र से होता है, ठीक है। वेबसाइट के पीछे हम .org लगाते हैं, ORG मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका संबंध किससे होगा, इसकी हिंदी क्या बनती है, सीधी सी बात है संगठन बनती है, 25 का हमारा डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है .com यानी कि डोमेन का संबंध किससे है, ठीक है। .com हम हर एक वेबसाइट के पीछे लगाते हैं, कोई वेबसाइट आपने देखी होगी, तो इसका संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो देखिए .com जो होता है वो कंपनी से होता है, यानी कि व्यापारिक संस्था से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, ऑप्शन आपके सामने सभी की सभी स्क्रीन पर गिवन है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भारत आज़ाद हुआ था तब हुई थी, और 1995 में इंटरनेट की शुरुआत इंडिया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हमारे अलग अलग हैं, तो देखिए जो सुविधा हमारी प्रारंभ हुई थी वो भी हमारी 1995 से हुई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है, 29 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको पता होगा। देखिए संचार के उद्देश्य से हम मॉडम का यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। मॉडम का यूज़ हम संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं। 30वां क्वेश्चन है हमारा, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से संबंधित ATP शब्द का पूरा मतलब क्या है, ठीक है। ATP आपने देखा होगा शब्द, FTP जो शब्द है उसका पूरा नाम क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म जो है हरियाणा के एग्जाम्स में बहुत आती हैं। तो सिंपल सा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो ATP की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, कंप्यूटर में आप जितने भी फुल फॉर्म्स हैं उनको आप जरूर पढ़ के जाना, फुल फॉर्म जो है हरियाणा के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। चाहे SI का हो, ग्रुप डी में भी आई थी फुल फॉर्म, SI में भी फुल फॉर्म्स आई हैं,
ठीक है। और देखिए, अगर आप मेरी इंग्लिश और मैथ की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप सीधे मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की ऑप्शन मिलेगी। आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी के सभी जो है अलग अलग से प्लेलिस्ट बना रखे हैं। जैसे मैथ के लिए मैंने अलग से बना रखा है बेस्ट ऑफ मैथ, इंग्लिश के लिए मेरा अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप उन प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।